बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अनकरीब स्कूल खुलने वाले, जैसे कि आपको पता चल चुका है गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 18 से हम बाकायदा स्कूल की तरफ आएंगे। इसी सिलसिले को जोड़ते हुए ऑप्शन ग्राम स्कूल ने भी वाज़ह फैसला किया है कि जैसे स्टूडेंट हमारे पास आएंगे हम इन्हें एग्जाम की तरफ ले जाएंगे। लिहाजा इंशाल्लाह बहुत अनकरीब जैसे ही आप स्कूल खुलेंगे आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अब जो पेपर शुरू होगा, पेपर क्या है, लिहाजा 9 क्लास के लिए भी इस्लामियत और मैथमेटिक्स का पेपर है। मैथमेटिक्स का पेपर पहले मैं बता दूं, देखिए मैथमेटिक्स का पेपर ये होगा कि आपके पास 35 नंबर्स के पेपर बनेंगे। ठीक है, तैयारी क्या करनी है, जो कुछ आपको पढ़ा के गया आप एक कॉपी पे वर्क करवा दीजिएगा, जो आपने असाइनमेंट वाले उसी से लेकर पेपर बनाया जाएगा। और अगर एक दो बातें पढ़ा दी जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा आपने इसकी तैयारी करनी है। 75 के मार्क्स होंगे, 15 एमसीक्यूज डालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 13 में से 9 करने आपको देंगे और 5 में से 3 क्वेश्चन करने देंगे आपके। आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके मुताबिक पेपर बनेंगे और जो मॉडल पेपर आएगा उसको ही सामने रख के पेपर बनाया जाएगा। यानी कि वो है कि 9th क्लास वालों के लिए सेशन सी के अंदर डेफिनेशंस है, थ्योरम्स है और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, काफी आसान सा पेपर होगा। जो कुछ इजाफी बातें हैं उम्मीद है बता दी जाएंगी, बस जहन कल बनाने इस बात को, जैसे 18 से शाला खुलेगा उसे कुछ दिनों के बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें, तैयारी वही होगी जो हमने आपको पढ़ाया। हाँ, पेपर बनाने के लिए हम मॉडल पेपर को फॉलो करेंगे, जो आपका मॉडल पेपर रिव्यूज आया हुआ है वो सारे स्टूडेंट के पास मौजूद है, हर एक ने इसको हासिल कर लिया, आप भी हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैथ की तैयारी करें, आपने देखना है कि उसमें कितने एमसीक्यूज है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और क्या आपको सेक्शन सी से करना है और सिलेबस जो हमने स्कूल में पढ़ा दिया वो उसके मुताबिक होंगे। आइए बात करते हैं इस्लामियत की। इस्लामियत के अंदर जो आपको सर ने जो आपको पढ़ा रहे थे, सर सोहेल पढ़ा रहे थे, फिर सर जाहिद ने पढ़ाया, जिन लोगों ने आपको पढ़ाया और कुछ आखिरी मैंने पढ़ाया, उन्हीं को लेते हुए रिड्यूस सिलेबस, याद रखिए इस्लामियत का जो मॉडल पेपर आया है वो पैटर्न है, मॉडल पेपर वो नहीं है, पैटर्न है। यानी कि इस तरह हदीस का तर्जुमा आएगा, इस तरह मुख्तसर सवाल आएंगे, इस तरह मौज़ाती मुताला आएंगे, मगर वो क्वेश्चन आना जरूरी नहीं, क्योंकि उसके अंदर मौतना भी सुरह अजा भी, वो समझाने के लिए पेपर आपका इस तरह बनेगा। पेपर किस तरह बनेगा, पेपर हम रिड्यूस सिलेबस जो दिया गया है उसके मुताबिक हम पेपर बनाएंगे, आयत हदीस का तर्जुमा लेंगे, इस तरह से लेंगे, सवालात लेंगे और मुख्तसर सवालात के बाद मौज़ाती मुताला है वो मौजूद है, उस तरह पेपर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी पर जाएंगे और जो कुछ पढ़ने की तैयारी करें उम्मीद है कि आपको आसानी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम।